नमस्कार, मैं अनुपम श्रीवास्तव, कमांडेंट एनडीआरएफ महाराष्ट्र। जैसा कि आपको पता है कि अरब सागर में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र अब एक चक्रवात का रूप ले चुका है, जिसको कि निसर्ग का नाम दिया गया है। ये निसर्ग चक्रवात कल रात यानी कि 3 जून की रात 8 से 9 बजे के बीच रायगढ़ जिले के अलीबाग क्षेत्र के आसपास लैंडफॉल हो सकता है। लैंडफॉल के वक्त इसकी रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है, जिसका असर तेज हवाओं के रूप में और तेज बारिश के रूप में देखने को मिलेगा, जिससे कुछ आसपास के क्षेत्रों में व्यवधान हो सकता है। परंतु राज्य प्रशासन और जिला प्रशासनों ने इससे निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। विभिन्न बलों को, विभिन्न एजेंसियों को निपटने के लिए तैनात किया गया है। जहां तक एनडीआरएफ की बात है, एनडीआरएफ की 15 टीमें अब तक तैनात की जा चुकी हैं, जिसमें 3 टीमें मुंबई में, 4 टीमें रायगढ़ में, 2 टीमें पालघर, 2 टीमें थाने, 2 टीमें रत्नागिरी और एक एक टीम सिंधुदुर्ग और नवी मुंबई में रखी गई है। इसके अलावा 5 टीमें विशाखापट्टनम से एयरलिफ्ट होकर आज रात मुंबई पहुंच जाएंगी, जिनको मुंबई में तैनात किया जाएगा। जहां तक चक्रवात निसर्ग की बात है, ये निसर्ग चक्रवात आपके रहने वाले इलाकों में व्यवधान रख सकता है, कर सकता है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु सावधानी बरतने की जरूर आवश्यकता है। जनता से अपील है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर बेवजह ना निकलें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।